हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं। देखो वो अपनी इकलौती बेटी की शादी करके यहाँ से बाहर जाना चाह रहे, हो सकता है उनको पप्पू भाई पसंद आ जाए। पापा सबके सामने गधे को समझाना था कि मुतासिर लड़की को करना ही है, उसकी माँ को मुतासिर कर रहा है। नवाज भाई इतनी जल्दी क्या है, पहले बच्चों की मर्जी तो मालूम करो। देखिए भाई साहब, हम लोग मशरकी लोग हैं, जहाँ बात तय कर दें बेटियाँ इनकार नहीं करती। क्यों बेटा? मामा मैं गलती से गलत हॉल में चला गया था। मामा जरा ऐसा तो बोलो क्या सोचेगी, मतलब तुम्हारी अभी मंगनी भी नहीं हुई है और तुम जौने ख्वाब देखना शुरू कर चुके हो। बबू भाई बेटा हम यही बात कर रहे थे कि तुम्हारी और आशी की शादी करने के बाद ही हम यहाँ से जाएं। क्या? हाय। वालेकुम हाय। हंस क्यों रहे हो? पिछले हफ्ते जो लतीफा सुना था क्या वो समझ में आ गया है? मैंने पिछले हफ्ते कौन सा लतीफा सुना था? मैं तो तुम्हें देख के खुश हो रहा हूँ। खबरदार जो मेरी तरफ आंख उठा के भी देखा। आंख उठाए बगैर मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ? तुम बड़ी शादी की तैयारियों में लगे हुए हो, क्या मुझसे पूछा भी है कि मैं राजी हूँ कि नहीं? मुझे पता है कि तुम मेरा मतलब है कि आप शादी के लिए राजी हो। मुझे ना तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। लड़के में ना कुछ चार्म होना चाहिए, कुछ थ्रिल होना चाहिए। बाय द वे मैं शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ। लेकिन मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। सच्ची मोहब्बत? ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने जब भी किसी से की है हमेशा सच्ची मोहब्बत ही की है। ओह गॉड शराब। क्या क्या झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं अंकल। अरे भाई देखो झगड़ना भी नहीं, शादी के बाद के काम शादी के बाद ही अच्छे लगते हैं। लेकिन पापा आशी कह रही थी। अंकल मैं तो कह रही थी कि मुझे कहीं बाहर घुमाने ले जाएं, लेकिन ये तो मेरी सुन ही नहीं रहे। अंकल आप ही कुछ बोलिए ना। अरे क्या हो गया पप्पू भाई, जाओ घुमा के लेके आओ, अच्छी तरह तफरी करो। और सुनो किसी राउंड अबाउट पे घुमा के ना रहना कि मैंने घुमा दिया। पर पापा ये तो। अरे जाओ जाओ। चलो ना पप्पू भाई। जाओ शाबाश। थैंक यू अंकल। बेहतरीन। मुझे पता था कि तुम मेरे, मेरा मतलब है कि आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं। अच्छा बताए कहाँ चले? जहन्नुम में। हैं? ये कहाँ है? आजकल होटल्स के नाम भी इतने अजीब अजीब से हैं। लेकिन मैं जानता था कि मेरे साथ घूमना आपको बहुत अच्छा लगता है। ओ कार्टून, चलो गाड़ी रोको फौरन, फौरन गाड़ी रोको। इससे ज्यादा ना मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफर। मामा ने कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखना है, अगर तुम गाड़ी में नहीं होगी तो मैं ख्याल किसका रखूंगा? देखो हीरो अभी घर जाओ और बोलो कि मुझे आशी बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके। लेकिन आप मुझे पसंद हो, कहाँ जा रही हो? चलो ना गाड़ी में बैठो। मेरा पीछा मत करो। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। वो क्या हो गया? दिन दिहाड़े लड़की को छेड़ रहा है। देखिए ना भाई साहब बार बार कहे जा रहे हैं गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। ये देखिए आप ही कुछ बोलिए ना इनको। आप इजी हो, हम जरा इसे गाड़ी की सैर कराते हैं। चल बच्चों। थैंक यू भैया। अरे बात तो सुनो फ्रेंड्स, हम भाई मामा मामा है शरारत थोड़ी सी खेचतानी चारा पप्पा मामा मामा के बच्चे। बच्चा तो मामा का ही हूँ, माँ का दूध पिया तो सामने से मारो। मामा मामा रोज एक नया तमाशा, रोज एक नई कहानी। मामा 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 क्या हुआ मेरे बेटे को? मामा आशी ने मुझे गुंडों से गुंडों ने मुझे इतना छेड़ा, लेकिन पप्पू भाई से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने मिलके गुंडों की ऐसी कुटाई की कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने गुंडों को मारा तो मुझे क्यों नहीं पता चला? चोटी तो
पप्पू भाई को लगी है। वैसे बहुत बहादुर है आपका बेटा। एक मिनट, ये पप्पू भाई, इस पप्पू भाई की बात हो रही है ना? हाँ हाँ, मैं आपको क्या बताऊँ, वो ना तीन थे और पप्पू भाई बेचारा अकेला, फिर भी उन्होंने मिलकर खूब कुटाई की। क्या? मेरा मतलब है कि पप्पू भाई ने मिलकर उनकी पिटाई की। मेरे बेटे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वैसे हैरानी तो मुझे भी हो रही है कि इतने नाजुक से पप्पू भाई लेकिन गुंडों की धुलाई कर दी। धुलाई तो मैं बहुत अच्छी करता हूँ, ईशा से पूछ लो। हाँ, पप्पू भाई धुलाई बहुत अच्छी करता है कपड़ों की। वैसे ना आपको भी फख्र होना चाहिए अपने भाई पे। अच्छा, जब पप्पू भाई ने सबको बोला कि जिस जिस ने माँ का दूध पिया है सामने से आए, तो सारे गुंडे डर के भाग गए। हे, सारे डर के भाग गए थे? तो तुम्हें नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं पता। एक्चुअली वहाँ इतना रश हो गया था और ये तो उनको अंधाधुंध मारे जा रहा था। जी मामा, मुझे बहुत गुस्सा आया था। असल बहुत का किसी को पता ना चले, और दूसरी बात भी याद रखना। क्या याद क्या रखना? अब वो बहुत चोटें लगी ना, इनको रेस्ट करने का बोल रही हूँ। रेस्ट? हाँ हाँ, रेस्ट करें ना, रेस्ट करें। चलो कमरे में। आ जा आ जा आ जा पप्पू भाई। मामा यहाँ पे भी मारा? हाँ भगवान उल्लो बिचोरो, यहाँ पे कौन मारता है? ये सही बात है बेटे, नहीं मारना चाहिए। मुझे तो अभी अभी आशी ने बताया, फखर होता है बेटा तुम पर। मेरा पप्पू तो शुरू का बहुत गैरतमंद है। एक बार बिल्ली ने हमारे मुर्गे को पकड़ लिया था, फिर पप्पू भाई ने उस बिल्ली को नहीं छोड़ा जब तक उसने मुर्गे को नहीं छोड़ा। उसके बाद बिल्ली ने कभी भी मुर्गे की तरफ नहीं देखा, हमेशा मुर्गी पकड़ी। वाह, मर्द हो तो ऐसा। बहुत मारा है गुंडों ने। नहीं नहीं, गुंडों ने नहीं मारा, पप्पू भाई ने गुंडों को मारा। भाई किसी ने किसी को भी मारा, चोटे तो मेरे पप्पू भाई को आई है ना, जोर से। देखो बेटा, औरत को पैसा नहीं प्रोटेक्शन चाहिए होता है, और तुम जैसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। आई ऑल्सो लाइक प्रोटेक्शन। आई मामा, कोई नहीं कोई नहीं। खैरियत तो है इतने सारे ड्रेसेस? हाशिम जी, मेरे बेटे की पहली शादी हो रही है। क्या मतलब पहली शादी? मेरा मतलब है पहली बार हो रही है ना, दिल चाह रहा है कि सारे ड्रेसेस पहन लूं। जोरा जमीन, जरा आइडिया दो कि कौन सा ड्रेस पहनूं। मैंने जो कहना है वो तुमने पहनना नहीं है। हाँ तो तुम्हारे बताने से मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा ड्रेस नहीं पहनना। हाशिम जी, मुझे आशी की सास नहीं बनना। वैसे ये बहुत अच्छी बात है, मदर इन लॉ बनने से अच्छा है कि आप सिर्फ मदर बन जाएं। और क्या, सास बनने में तो वैसी बड़ी उम्र लगती है, हम तो फ्रेंड्स बनेंगे। बेहतरीन, इस ड्रेस में मैं कैसी लगूं? वैसी लगोगी जैसे तुम हो। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें कोई और ही ड्रेस कर। चले, अल्लाह करे कि सब चीजें इत्मीनान से हो जाए अच्छे तरीके से, तो ये सबके लिए अच्छा हो जाए। बिल्कुल। हाँ पप्पू भाई, अब बताओ तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी? वो ना, मैं कहना चाहता था कि आशी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। और क्या? वो ना, मैं आशी से शादी नहीं करना चाहता। पप्पू भाई क्यों कह रहे हो? जिस घर में सब लोग शादी की तैयारियां कर रहे हो, तुम शादी करने से इनकार कर रहे हो? क्या पप्पू भाई, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मेरा मतलब है, क्या तुम मुझसे वाकई शादी नहीं करोगे? नहीं करूंगा। मामा, पापा, अंकल, देखिए ना पप्पू भाई क्या कह रहे हैं, मुझसे शादी नहीं करेंगे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब पप्पू भाई को क्या पता कि आप क्या सुनते हैं, आपने तो हेडफोन लगाए हुए होते हैं। बेहतरीन। पापा, पापा आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? पप्पू भाई, बेटा क्या कह रहे हो तुम? वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज रो मत, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। ऐसे घटिया मजाक करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? पापा सॉरी, प्लीज आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चले ऐसे ही बच्चे
बैठे ना प्लीज बैठिए। ये हम घर से काफी दूर आ गए ना? ये हम घर से काफी दूर आ गए हैं ना? उफ, दफर। और इनकार करके मुकर क्यों गए तुम? वो तो मैं मजाक कर रहा था, असल में तुम रोने लगी थी ना तो मेरा दिल बहुत नरम है इसलिए। तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा दिमाग नरम है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया मेरा। देखो कसूर भी तो तुम्हारा है। किसने कहा था कि इतना असली रो? मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। अरे गाड़ी रोको। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? मैं तो वहीं खड़ी हूँ। भाई हमारी गाड़ी का नंबर क्या है? भाई तू ना कहो, मेरा नाम पप्पू भाई है। Shut up. अच्छा देखो मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम आ जाओ। क्या टाइम लगेगा, बस जल्दी पहुँचो। अब मुझे इस डफर के साथ बोर होना पड़ेगा। पापा का फोन? बिल्कुल नहीं उठाना। लेकिन पापा को गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी मेरे पास है, पापा लेट हो जाएंगे। पप्पू डार्लिंग प्लीज फोन नहीं उठाना। ये जो तुमने मुझे डार्लिंग कहा है ना, बस यहाँ पे आके मैं रह जाता हूँ, वरना मैंने फोन उठा लेना था। मुझे एक बात बताओ, ये हम इतने वीराने में क्यों खड़े हैं? ओहो तुम्हें हर बार बताना जरूरी नहीं है, अब बस चुप करके बैठे रहो। मंसूर यहाँ इधर। हे ये हेलो मंसूर। ओए ड्राइवर चलो बाहर। मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं पप्पू भाई हूँ। देखो बाहर जाओ और उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। लेकिन पापा का फोन? ये फोन तो तुम मुझे दे दो। मुझे फोन तो दे दो, मैं सैड सॉन्ग सुन लूंगा। मैं वीराने में क्या करूंगा? खड़े रहो बिल्कुल। मामा पापा। हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं। मैंने कहा भी था कि मुझे काम से जाना है, अभी तक नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहे किसी का। हाँ तो हमारा पप्पू भाई कोई चोर है जो किसी का फोन उठाएगा? भाई उसके पास अपना फोन है। ओफो मामा, पप्पू भाई ने पापा का फोन नहीं उठाया। तो नाराज क्यों हो रहे हैं हाशिम जी? भाई अगर गलती से फोन उठा लिया तो चुप, बेहतरीन चुप। लगता है पप्पू भाई राशि आ गए। मैंने आपसे कहा था कि आप देर न कीजिएगा। पापा वो आशी ने। अंकल मैं तो कब से कह रही थी कि जल्दी घर चलो, लेकिन पप्पू भाई कह रहे थे कि उनको वॉक करना है। वॉक? मैंने कब कहा वॉक का? ओ हाँ जॉगिंग करनी थी, जॉगिंग का बोला था। जॉगिंग मैंने कब की? एक तो अंकल जॉगिंग भी नहीं की, ऊपर से अपना फोन भी साइलेंट पे कर दिया और बैठ के मोबाइल गेम्स खेल रहा था। तो बाहर घूमने फिरने गए थे, बाहर जाके तुम मोबाइल पे गेम खेलने लगे। सॉरी आंटी, सॉरी अंकल, पप्पू भाई अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलो। क्यों? अच्छा आई एम सो सॉरी पापा। ठीक है पापा, आई एम रियली सॉरी। गॉड इस बच्चे का दिमाग है कहाँ? पापा वो हैवी बाइक। हैवी बाइक? अंकल देखिए जरा, हैवी बाइक भी कोई जगह है दिमाग रखने की? वैसे पप्पू भाई हैं बड़े अकलमंद। चाबी दीजिए मुझे। पप्पू भाई क्या तुम सच कह रहे हो? यकीन नहीं आता, शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती है। ओफो जोरा पप्पू, शक्ल से थोड़ी पता चलता है कि इंसान कैसा है। शक्ल से तो पाशा भी बहुत शरीफ लगता है। पर वो तो है भी, लेकिन ये मंसूर ये खूबसूरत है या बदसूरत, ताकि मैं उस हिसाब से उस पर गुस्सा करूँ। बदसूरत लोगों पर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अभी जाके शादी से इनकार करती हूँ। मामा लेकिन आशी भी तो यही चाहती है। मामा मुझे आशी बहुत पसंद है। ये सब कुछ हमको हाशिम जी को बताना चाहिए।
शादी से पहले मेरे बच्चे को इतना डांटती है शादी के बाद तो कान पकड़वा देगी इसके। मामा ऐसे करके के ऐसे करके कुछ नहीं हो सकता इस आदमी, कुछ नहीं हो सकता। I'm so sorry बेटे, कुछ नहीं हो सकता। वैसे क्या सबूत है कि आशी किसी और से प्यार करती है? आप पप्पू के पापा बने, जज मत बने। अरे तो मैं कैसे यकीन कर लूं? अभी बरखुरदार कह रहे थे कि मुझे आशी से शादी नहीं करनी और अब कह रहे कि मैं तो मजाक कर रहा था। कैसा मजाक है ये? पप्पू भाई मजाक नहीं कर रहे, आशी उस मंसूर बाई परे से मिलती है। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है? नहीं आंखों से तो नहीं देखा, कानों से जरूर सुना है। किससे सुना है तुमने? बेहतरीन से। बेहतरीन तुमने किससे सुना है? ईशा से। ईशा तुमने किससे सुना है? पप्पू भाई से। पप्पू भाई ने आशी से सुना होगा। ओह यस। आशी ने किसी और से सुना है? तुम लोग दूसरों की बातों में लगे रहो, वो बेचारी बच्ची तो बहुत खुश है शादी से। चली जाइए। मामा हमें अंकल नवाज को बता देना चाहिए। मामा फिर आशी मुझसे शादी पे रजामंद हो जाएगी ना? तुम्हें अभी भी उसी से शादी करने की पड़ी हुई है, मैं तो उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। मामा आपको पता था कि वो छठी में दूध पिया करती थी? लो कर लो गल। चलो अंकल नवाज से बात करते हैं। मामा आप क्यों उन्हें अंकल नवाज कह रही हैं? आप तो उनकी हम उम्र है। ठीक है चलो आओ। चलो। वो हमें भाई नवाज से बात करनी है। वो पापा ना अभी रेस्ट कर रहे हैं, आप लोग बाद में आ जाएगा ओके? मामा मंसूर ने कहा था कि अगर मैं आशीष से शादी पे इनकार नहीं करूंगा तो वो मुझे मारेगा। मामा है? उसने ऐसा कहा? ये जुर्रत उसकी, मेरे मासूम बच्चे से इस तरह की बातें करता है। बस मिसेस नवाज से बात करो, चलो अभी आओ। मामा ना अभी सो रही है, नींद की गोली खा के सो रही है। आप लोग फिर बाद में, कल परसों। मामा मंसूर कह रहा था कि अगर हमने अंकल नवाज को सब कुछ बता दिया तो वो हम सबको मार देगा। तो फिर हम क्या करें? हाशिम जी भाई तो मान ही नहीं रहे। सोचो 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 सोचो। आइडिया क्या? क्यों ना हम पाशा को फोन करें? इतना आसान आइडिया मेरे जहन में क्यों नहीं आया? हेलो पाशा, हमें एक मुफ्त मशवरा चाहिए। मौला खुश रखे, मुफ्त तो मैं किसी को गाली भी नहीं देता, भला क्यों, कहीं वैसी ही वापस ना आ जाए ना। पाशा हमने पप्पू भाई का रिश्ता तय कर दिया है। आज फिर तय कर दिया? मौला खुश रखे, सेंचुरी हुई कि नहीं? नहीं मैं शादी की बात कर रही हूँ, तुमने क्रिकेट की बात करनी शुरू कर दी। भाई पप्पू भाई का रिश्ता जिस लड़की से तय हुआ है ना, वो किसी और लड़के को प्यार करती है। ओ बच्चा फिर बच गया। देखो पाशा हंसो मत, देखो वो जिस लड़के से प्यार करती है ना, उसने हम सबको धमकी दी है कि अगर पप्पू भाई ने शादी से इनकार ना किया तो वो हम सबको गोली मार देगा। बताओ पाशा अब हम क्या करें? मौला खुश रखे, इनकार करें और क्या करना है? भाई इनकार किया है लेकिन हाशिम जी को यकीन नहीं आ रहा, कहते हैं सबूत दो हमें। हाँ तो इसमें परेशानी क्या है? पप्पू भाई से कहें कि लड़की की रिकॉर्डिंग करें मोबाइल पर और वो फिर हाशिम जी को सुना दे। शुक्रिया पाशा। ओ हेलो, काम उठा के आ रहे हो यहाँ? वो मैं पापा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्या बात करने जा रहे हो पापा से? यही तो पूछने आयो कि पापा से क्या कहूँ बात।
खबरदार जो बाबा से कोई ऐसी वैसी बात की, तुम्हें बस उनसे इतना जाके कहना है कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो और मुझसे शादी नहीं करना चाहते, ओके? तो पापा वजह तो पूछेंगे ना? डफर, ये वजह ही तो बताई है मैंने। डफर तो ना कहो, सब सुनेंगे। सब सुनेंगे मतलब? देखो, अगर कोई भी चलाकी की ना, तो मंसूर ना तुम्हें सूली पे लटका देगा। सूली क्या होता है? ओ ढक्कन। ढक्कन ना कहो, रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या? कुछ नहीं। देखो जाओ, तुम जाके पापा से बोलो तुम किसी और से शादी करना चाहते हो, मुझसे नहीं, ओके? अब जाओ। ओह यस, हो गई रिकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। खैरियत तो है? ये टोला क्या खबर देने आया? आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आता ना, तो खुद सुने अपने कानों से अपनी आशी के करतूत। पप्पू भाई रिकॉर्डिंग चला। पापा, प्ले का बटन दबाओ। वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा। क्या है ये? पप्पू भाई, पापा को रिकॉर्डिंग तो सुनाओ। मामा, रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं। क्या रिकॉर्डिंग? कैसी रिकॉर्डिंग? किसकी रिकॉर्डिंग? हमारी बात पे यकीन ही नहीं है बगैर सबूत के। चलो पप्पू। पोशा, तुम्हारा मुफ्त मशवरा काम में नहीं आया। मौला खुश रखे, इसलिए मैं मुफ्त मशवरा नहीं देता। आप ऐसा करें, इस मशवरे की फीस दे दें, अभी के अभी ये मशवरा कारामद हो जाएगा। हाँ, दे देंगे पैसे। पहले ये बताओ कि हाशिम जी को कैसे सबूत दें कि लड़की किसी और से प्यार करती है। बीबी जी, किसी डिटेक्टिव के जिम्मे लगा देता हूँ, वो दोनों की तस्वीरें और वीडियो बना देगा, आप हाशिम जी को दिखा दीजिएगा। जल्दी जल्दी डिटेक्टिव भेजो। लड़की बाहर मिलती है ना लड़के को, आप ऐसा करें, जब भी वो बाहर निकले आप मुझे फोन कर दीजिएगा, लड़की की तस्वीर एडवांस में भिजवा दें, बल्कि साथ साथ एडवांस भी भिजवा दें तो कोई मुजायका नहीं है। और अगर आशी घर से बाहर नहीं निकली तो? ओहो, तो पप्पू भाई से कहे ना उसे घर से बाहर बुलाए। ओके। ये बताओ कि तुमने अपने पापा से बात की है? की है? मैं तो रोज पापा से बात करता हूँ। ओफो ढक्कन, मुझसे शादी ना करने की बात? नहीं की। What? की है, मजाक कर रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ तुम्हें। अकेली लड़की को छेड़ने की सजा याद है ना? पापा को यकीन ही नहीं आता, वो समझते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं डिटेक्टिव गौजी, मैं तो खुरा देख के मुजरिम के घर तक पहुंच जाता हूँ। ये दो आशिकों को रंगे हाथों पकड़ना कौन सा मुश्किल काम है? पप्पू भाई कुछ करो, उनको यकीन दिलाओ। वही तो दिला रहा हूँ आशी। क्या मतलब? अब देखो, इसीलिए तुम्हें अपने साथ लाया हूँ, ताकि हम दोनों को इकट्ठा देख कर उनको यकीन आ जाएगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ऐसे तो उनको लगेगा कि हमें शादी करनी है। मजाक कर रहा हूँ। हेलो। हाँ सनी, तुम कहाँ रह गए हो? 15 मिनट पहले भी तुमने कहा था जस्ट 15 मिनट्स। जल्दी आओ। तुम्हारा मंसूर सनी आया नहीं? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि वो नहीं आया। वो बताओ
मैं अपने पापा को क्या कहूँ? पापा को पापा ही कहोगे और क्या मामू कहोगे? अब चलो उठो, मेरा हाथ पकड़ो, मैं घूम ना जाऊं। उफ चलो। कौन है जी? क्या बात है? आप मिसेज हाशिम? जी नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ। आप बताएं क्या परेशानी है? परेशानी क्यों, क्या मैं शक्ल से परेशान नजर आता हूँ? ईशा बेटा कौन है? मैं हूँ डिटेक्टिव। मुजरिम कितना भी तेज क्यों ना हो, वो डिजिटल खोजी से नहीं बच सकता। ये डिजिटल खोजी कौन है? मैं हूँ, पाशा ने नहीं बताया। मैंने उस लड़की की और उसके बॉयफ्रेंड की वीडियो बना ली है और तस्वीर भी। मामा मुबारक हो। भाई साहब ये वीडियो। मेरी फीस? हाँ हाँ ये लीजिए ना। ये वीडियो बहन जी, आप क्या कह रही हैं? क्या मैं बहन जी लग रही हूँ? आशी को एक लड़का पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? मामा के पास आपके साथ उस लड़की की वीडियो जिससे आप शादी करना चाहती हैं। वीडियो लगाएं, लगाएं, कहाँ है वो वीडियो, लगाइए। के लिए हमारी जान निकाल दी। अरे नवाज भाई क्या बताएं, रोज एक नया तमाशा है यहाँ पर तो। वैसे लड़का लड़की बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्यों ना इनका निकाह करवा दें? जैसे आपकी मर्जी हाशिम जी। बस अगले हफ्ते इनका निकाह? हाँ बिल्कुल। भाई बेगम तैयारी करो तुम। क्या हुआ? बेहतरीन प्रॉब्लम मशीन, बेहतरीन प्रॉब्लम मशीन। हेलो मंसूर, मेरा निकाह हो रहा है, तुम बस जल्दी घर आ जाओ। वो फोन निकाह में शिरकत के लिए नहीं बुला रही हूँ, भागने के लिए बुला रही हूँ। दो बजे तक सब सो जाते हैं, हम तीन बजे भाग जाएंगे। पैकिंग वगैरह मैं सब कर लूंगी, तुम बस टाइम पर आ जाना। ओके डन। चलो मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा तो ये प्लानिंग चल रही है। इसमें क्या भर दिया जो इतना भारी हो रहा है? अरे मैंने इन सब लोग का भी जेवर डाल दिए बैग में, बस तुम चलो। अरे ये दरवाजा तो खुला था जब मैं आया था, लॉक क्यों है ये? मैंने नहीं लॉक किया है। फिर किसने किया? हमने किया है। क्या हो रहा है ये? आपको नहीं पता ये क्या हो रहा है, मैं बता। बेहतरीन चुप। जल्दी देखो ना मामी, ये देखें। जरूरत है रिश्ते का इश्तिहार, मैं बापू की शादी करवा के ही जाऊंगी। हाँ ईशा अपनी खाला के घर गई हुई है, जैसी आती है फिर डिसाइड करते हैं। अच्छा ये देखिए, हसीन और जमील लड़की, उम्र 18 साल, तालीम एमए। हाय अल्लाह, मैंने भी 18 साल में इसकी तरह एमए कर लिया था और 20 साल में तो मैं बीए कर चुकी थी। हसीन और जमील से कहीं ये मुराद तो नहीं कि कभी हसीन लगती और कभी जमील? ये रिश्ता परफेक्ट है पप्पू भाई के लिए। मुझे तो क्या किया तुम लोगों ने, इतना अच्छा रिश्ता फाड़ दिया। पढ़ो ना, लिखा है कि अमीर माँ बाप की इकलौती लड़की, बाकी मेरे पास है के लिए एक नौकर चाहिए। मामा है नौकर के लिए इश्तेहार जरूरत है रिश्ता में लिखना शुरू कर दिए इन्होंने। बाकी मेरे पास है मामी, एक
इकलौती हसीन लड़की लंदन में रिहाइश पजीर लड़के को साथ ले जाएंगे? मामा मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, वो 6-7 घंटे काम कराते हैं। एक डॉक्टर लड़की के लिए खूबसूरत लड़के का रिश्ता दरकार है। खूबसूरत? वो तो फिर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही होगा, क्योंकि मैं बला सा हसीन हूँ। हाँ ठीक है, लोग बला के हसीन होते हैं और पप्पू बला सा हसीन है। सही। अखबार पढ़ा जा रहा है? अब ये मिल बांट के पढ़ने के लिए फाड़ना जरूरी तो नहीं अखबार का। हाशिम जी भाई, वो पप्पू भाई को कोई नौकरी नहीं मिली थी तो हमने सोचा रिश्ता ही ढूंढ ले। हाँ इसे यही जॉब मिल सकती है। जब वो हमारी मुजम्मिल बाजी नहीं है? नहीं है, वो बाहर से आई है, मुझसे मुलाकात हुई थी उनकी, बहुत दूर की रिश्तेदार है। कितनी दूर की? 1 मीटर या 2 मीटर? बेहतरीन उनकी बेटी है जो मुझे पप्पू भाई के लिए पसंद आई है। अगर मुजम्मिल बाजी की बेटी से पप्पू भाई की शादी करानी थी तो फिर इतना पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत थी? हाँ? हैं? पापा मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। मैं तुम्हारी नहीं मुजम्मिल बाजी की बेटी की बात कर रही हूँ। बरसों बाद मुझे देख के बहुत खुश हुई। आप भी हमें बरसों बाद मिले ना तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। क्या कहा? किसी ने कुछ कहा क्या? बात सुने। जी जी। शाम को चाय पे आ रही है, रिश्ता अच्छा लगे तो पक्का कर देना। आइए आइए आइए, बैठे प्लीज बैठे। बेहतरीन बेहतरीन। जी जी जी। आओ 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 वहीं से मिलो, ये है मुजम्मिल और ये उनकी बेटी अमन। सलाम अलैकुम बाजी। सलाम अलैकुम बाजी। हाय माशाल्लाह, बच्ची तो मुंह पर सच बोलती है। वैसे हमेशा से मुझे शक था कि मैं अपनी बहू की ना सास नहीं लगूंगी, बाजी लगूंगी। बेहतरीन। स्वीटी जाइए मुजम्मिल पप्पू के लिए कुछ पीने को लेकर आइए। मैं भी लाती हूँ। मैं लेके आती हूँ। तो बस फिर शादी की तैयारियां शुरू कर दे पापा। पप्पू भाई करें। जीवे बनरा उम्र हजारियां, जीवे बनरा। वेरी गुड। ओ किन 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 किन। चाक थोड़े बड़े हैं पर खैर है, ठीक है। पप्पू ये तुम दुल्हन के कपड़े खुद से लगा कर क्यों देख रहे हो? मैं तो वैसे ही देख रहा था कि दुल्हन पर ये ड्रेस कैसा लगेगा। ब्रेकिंग न्यूज, एक लड़की ने 4 लड़कों की धुलाई कर दी। तुम जैसों के लिए मैं बैग में ग्लव्स रखती हूँ। और ये 5वां गुंडा भी नॉकआउट, ये पहले 4 नॉकआउट पड़े हैं। उन्होंने राह चलती लड़की को छेड़ा जो बॉक्सर निकली और इनका भुर्गस निकाल दिया। पप्पू बेटा एसी बंद कर दो, मुझे ठंड सी लग रही है, सर्दी हो रही है। मामी एसी नहीं टीवी ऑन है। और ये अमन है पप्पू की होने वाली बीवी। शादी तो सर पर है। पप्पू किसके सर पर है? लगता है हाशिम जी ने हमें सीधा करने के लिए इस लड़की को हमारी बहू बनाने का फैसला कर लिया। मामी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए ही शादी कर रही हो? इंतहाई सफेद स्वीटी, डराओ तो नाना। जा मेरे पप्पू भाई, यही मौका है हाशिम जी के सामने जाके शादी से इनकार कर दे। शादी से इनकार कर दे। शादी से इनकार कर दे। मामा वो तो बाद में मारेगी, पापा ने तो अभी से मारना शुरू कर देना है। पप्पू बीवी के घूसों से मामू जान के थप्पड़ फिर भी नरम होते हैं। अगर पापा ने इनकार कर दिया तो? थप्पड़ मारने से? शादी रोकने से? बात तो करके देखो ना। आओ मामा। तुमने अंदर जाना है पप्पू। पापा
हम तो कुछ नहीं। अब चलो पप्पू पप्पू आ जाओ। सलामकुम। जल्दी जाओ। फोन कर दे कि आप अपनी बेटी की शादी पप्पू से नहीं करवाना चाहती। और उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली तो? अरे तो आवाज बदल के कॉल कर लो ना। इस फोन में मेरी नई सिम भी है। एक मिनट। हाँ शिवजी भाई को मिलाती हूँ। ये लो। मिला दिया नंबर। हाँ हेलो, मैं मुजम्मिल बोल रही हूँ। मेरी आवाज पे मत जाइएगा, जरा गला खराब हो रहा है। मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करना चाहती। वो तेरी खैर। उनको तो शक भी नहीं हुआ, शक भी नहीं हुआ। मामी आप गलत बोल गई। कहना था कि आपके बेटे पप्पू से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा। हेलो, माफ करना, पहली कॉल में इमला की गलती दुरुस्त कर ले। मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती। मैं नहीं, अमन की शादी नहीं कराना चाहती। हेलो, टेक टू। मैं अमन की शादी अपने बेटे से नहीं करना चाहती। थैंक यू। अब ठीक हो गया? अब शायद ठीक ना हो मामी, क्योंकि आपने अपने बेटा कह दिया है। मामू को शक हो गया होगा कि आपने कॉल की है। मैं अभी कॉल करके कहती हूँ, वो कॉल मैंने नहीं की थी। लेकिन मामा, पापा ये नहीं पूछेंगे कि अगर आपने फोन नहीं किया तो आपको कैसे पता चला फोन का? अमन के डर की वजह से मेरा बेटा कितना जहीन होता जा रहा है। स्वीटी जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी सोचो कि हाशिम जी को क्या कहना है। प्लीज। क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि हाशिम जी भाई से बहाना क्या करना है। हाशिम जी आप आ गए? नहीं, देखिए बहानेबाजी छोड़िए और आराम करें आप लोग। मैं चाहता हूँ शादी के मामलात में आप बिल्कुल दिलचस्पी ना लें, ताकि सारे इंतजाम ठीक तरीके से हो सके। जी? हाँ जी। थोड़ी सी है शरारत, थोड़ी सी खेचतानी, रोज एक नया तमाशा, रोज एक नई।